गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज अपन लोग दोबारा आ चुके हैं GTA 5 के अंदर। एंड गाइस गेस व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो गाइस मैंने और चॉप ने डिसाइड किया है कि आज अपन लोग एक और नई DLC कार के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आप सोच रहे हो कि अपन ऊपर क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब आपको मिस्टर चॉप देगा। चल नीचे और फोट भाई ऊपर से गिरा दिया मेरे को। अरे मर गया क्या? आई एम सॉरी दोस्त, लेकिन अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था नीचे उतरने का। फोट भाई अपने तो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। अरे मेरे पे उतना ध्यान मत दो दोस्त। ऑल राइट गाइज, अपने को एक्चुअली गाड़ी की जरूरत है और मेरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं है गाइज। अपने को सैडली उसको मंगवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपन चॉप की गाड़ी में राइड लेके जाएंगे गाइज। ओए कहाँ पर है तेरी गाड़ी भाई? कहाँ जंगलों में भगवा रहा है मेरे को? गाइज देख रहे हो कैसे बुरे बुरे दिन आ गए गाइज। अपन लोग यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हैं, रात हो चुकी थी पता है गेम में, अपन तब से वेट कर रहे हैं कब सूरज निकलेगा, कब भाई यहाँ पर मस्त वेदर होगा और हम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो गाइज बहुत परिश्रम और मेहनत और इंतजार के बाद फाइनली सूरज भगवान ने हमें दर्शन दे दिया है। तो अब टाइम है यहाँ पर थोड़ा समझ रहा हूँ ना, एक्शन करने का। अरे किधर चल गया नूबड़े? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ भाई, एक गाड़ी नहीं है इधर, टैक्सी भी मिल जाती तो मजा आ जाता। फोट भाई आ रहा हूँ, गाड़ी लेके आ रहा हूँ ब्रो। अरे गाड़ी लैम्बोर्गिनी मैं चलाएंगा, तू किधर जा रहा है? रुक जा नूबड़े, वो रहा, चल निकल गाड़ी के बाहर, अपन लोग चलाएंगे गाइस। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इसको गाड़ी के बाहर निकालते हैं। ऑलराइट, अपन लोग अंदर बैठ चुके हैं, आ जाओ दोस्त, दोनों साथ में चलेंगे। ओके हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए मिस्टर चॉप की गाड़ी को भाड़े पर ले लिया गया है और अब लोग इस गाड़ी को मस्त भगा के ले जाएंगे पहले शहर की तरफ, क्योंकि गाइस वो ज्यादा जरूरी है। और बाय द वे गाड़ी बहुत बढ़िया है दोस्त, तुमने तो अच्छी गाड़ी कस्टमाइज करके रखी है। व्हाट भाई आपको क्या लगता है, अपू नीड फॉर स्पीड का बहुत बड़ा फैन है ब्रो? अरे और मैं फास्ट एंड फ्यूरियस का दोस्त। ओ आराम से। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, अब टाइम आ गया है यहाँ पर शहर की तरफ प्रस्थान करने का। अगर आप लोगों ने भाई वीडियो पर लाइक नहीं मारा है तो क्या कर रहे हो, क्योंकि आज की जो गाड़ी होने वाली है वो यहाँ पर सुपर भी होने वाली है और फैमिली फ्रेंडली भी होने वाली है। इमेजिन करो आप आगे चल करके एक ऐसी गाड़ी खरीदते हो जो भाई एक सुपर कार हो, लेकिन आपके पास एक फैमिली है, तब आप कैसे गाड़ी खरीदोगे, है ना भाई? क्योंकि नॉर्मल सुपर कार में सिर्फ 2 लोग आते हैं, बट फैमिली कार में 4 लोग आने चाहिए। तो आज की जो हमारी गाड़ी है वो इसी चीज को ध्यान में रख करके जबरदस्त तरीके से डिजाइन की गई। अरे 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 क्या हो गया भाई, घूमर घूम गया मैं। ऑलराइट गाइस एक काम करता हूँ, अभी शहर में आप लोग एंट्री ले चुके हैं ऑलमोस्ट, तो गाड़ी को करते हैं यही कहीं पर पार्क। अरे 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 चचा आराम से। ऑलराइट कहाँ पर पार्क करूँ मैं, कोई अच्छा लोकेशन ढूंढते हैं गाइस, चलो यही पार्क कर देते हैं। ऑलराइट गाड़ी रोक दी गई है, अरे सॉरी फॉर दैट स्क्रैच। और आ जाओ चॉप निकलो, इस गाड़ी को वापस करो भाई, अपनी नई गाड़ी मंगवाते हैं। तो गाइस नई गाड़ी का पहले मेरे को आपको दिखाए, सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा इंटरनेट पे ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर सदन सैन एंड्रियस, और उसके बाद ये रही वो नई गाड़ी। आई नो कि ये ब्लैक कलर में उतनी मस्त नहीं दिखती, बट ट्रस्ट मी हम लोगों ने इसको ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। इट कॉस्ट अराउंड $1.6 million और क्योंकि यार डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी हैव ऑर्डर्ड इट, और हमारे गैराज में ना ये इंतजार कर रही है गाइस। अभी मेरे को एक्चुअली अपने मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट जल्दी से उसको कॉल करता हूँ गाइस, फोन तो उठाता नहीं है कमबख्त, कहीं का आधे समय फ्री का पगार लेता है मेरे से। ऑलराइट ये रहा 4401 फॉर खोपियो डॉक्टर, पता नहीं क्या है ये ड्राइववे, अपन लोग इसमें स्टोर करके रखे अपनी गाड़ी को और ऑर्डर दे दिया है गाइस, और बहुत ही जल्द वो आ जाएगी। और अरे कहाँ चले गए तुम? फोट भाई इधर यार पौधे बेच रहे ब्रो। अरे पौधे नहीं बेच रहे, कुछ और का बिजनेस चलता है यहाँ पर दोस्त, बहुत रिस्क है। ऑलराइट गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है, लेकिन पहले देखता हूँ इधर बिजनेस किस चीज का है। वेट अ सेकंड, हे व्हाट इज दिस, अपन लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं, चलो देखते हैं गाइस। ओ माय गॉड ये फैसिलिटी तो अच्छी है यार, इसमें तो बहुत सारे पौधे उगा रहे हैं। ऑलराइट गाइस चलो देखते हैं। अरे भाई साहब इधर तो और भी लोग खड़े, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ऑलराइट इन लोग रिलैक्स कर रहे हैं, इनको देख के मेरे को सही वाइब नहीं आ रही है गाइस, ज्यादा परेशान किया ना यहीं ठोक के फेंक देंगे मेरे को। काम करता हूं मैं यहां पर से निकल जाता हूं। ऑलराइट अरे भाई साहब बॉडीगार्ड भी रखा है इन लोगों ने, निकलो भाई इधर से, ये इलाका बहुत डेंजरस। ओ तुम्हारी गाड़ी आ गई, व्हाट भाई आप बहुत स्लो हो ब्रो। अरे गाड़ी तो सही दिख रही है, रुक मैं भी अपनी गाड़ी लेके आता हूं, वही वेट कर। ऑलराइट तो ये रही हमारी गाड़ी गाइस, अपन लोग हमेशा येलो मंगवाते हैं। और मिस्टर चॉप अपना पिंक कलर भूलियो मत, रेड कलर नहीं है तेरा समझा? व्हाट भाई ऐसे क्यों करते हो, मेरे को भाई रेड कलर पसंद है ब्रो। अच्छा चलो ठीक है, जो कलर में करवाना है करवा लो, लेकिन अपन तो भाई येलो ही करवाएंगे। और अरे कुछ ज्यादा तेजी से जंप नहीं करना है गाइस। ऑलराइट इसको ना मैं सोच रहा हूं कि इसको एकदम फुल्ली कस्टमाइज करने के लिए अपने को इसको ले जाना पड़ेगा। वेट अ सेकंड कहां ले जाऊं मैं अपना, वो कहां गया? ऑटो शॉप गाइस, ऑटो शॉप पे सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये है क्या ऑटो शॉप? हां ये रही, तो चलो ज्यादा दूर नहीं है गाइस, लेट्स गो फटाफट से। चॉप तुम अपने ऑटो शॉप को यहां पर मार्क कर दो भाई, एंड अपन लोग चलते हैं गाइस अपने शॉप की तरफ और गाड़ी को करेंगे। अरे कैसा गाड़ी भाई साहब, बिना इंडिकेटर के घुमा रहा है, पागल है क्या भाई? ये लॉस सैंटोस के लोग भाई ऐसे ही करते हैं, देखो ये बिना इंडिकेटर के गाड़ी निकाल रहा है। अरे यार GTA वालों इंडिकेटर का सिस्टम ले आओ भाई, ये बंदे बिना इंडिकेटर के गाड़ी घुमाएंगे अपनी गाड़ी चिपटी हो जाएगी। व्हाट भाई लोगों का कुछ नहीं कर सकते, मैं तो इनको बम से उड़ा देता हूं ब्रो। अरे बम से मत उड़ाया करो भाई, ऐसे छोटी मोटी
बड़ी चीजों के लिए किसी को बम से थोड़ी उड़ाया जाता है। खैर हटाओ गाइज। ओहो आराम से भाई। ऑलराइट इंटीरियर काफी बढ़िया है, इसमें लिविंग स्पेस बहुत ज्यादा है गाइज, आराम से 6-7 लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। इस गाड़ी का नाम है Ubermast Reinhardt, एटलीस्ट अगर मेरे को बोलना नहीं आता है तो माफ करना इसका नाम ठीक से। और गाइज ये रियल लाइफ में Audi RS6 है ना उससे इंस्पायर्ड है। तो चलो फटाफट से अपन लोग पहुंच चुके ऑटो शॉप, लेट्स गो। अ व्हीकल मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम माय ऑटो शॉप गैराज। अच्छा भाई ऑटो शॉप फुल है, चलो एक गाड़ी रिमूव कर देंगे और चलते हैं अंदर की तरफ। ऑलराइट अब हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है किसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो चलो कलीको को रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स गो, कलीको हो चुकी है रिप्लेस एंड अब हमारी गाड़ी के लिए बन चुकी है जगह। वो लुक एट दैट, क्या लग रही है ये वाली गाड़ी, तो आपको याद ही होगी पिछली वीडियो में तो कस्टमाइज करवाया है गाइस डीएलसी वाले में, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखो बहुत मजा आएगा, ये गाड़ी क्या थी क्या से क्या बना डाला दोस्तों। एंड अगर आप लोग चाहते हो GTA में एकदम पुअर टू रिच वाली सीरीज तो उसके लिए भाई लाइक कर दो। आप लोग अपने पुराने घर और नए घर सब कुछ दिखाएंगे, जब मैंने GTA ऑनलाइन शुरू किया था तो मैं कैसे घर में रहता था और अब हमारे पास कैसे कैसे टाइप के घर है, प्रॉपर्टी टूर सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए मेरे को, ठीक है गाइज। एनीवेज बहुत बकवास हो गई, अब टाइम है अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने का, तो चलो फटाफट से मॉडिफाई करवाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है इस कार के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग अपना आर्मर ऑफ कोर्स फुल करने वाले, फुल एकदम कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रेस ब्रेक्स एकदम टॉप ऑफ द लाइन, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रेकिंग सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट बंपर के पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एज यू गाइस कैन सी। सबसे पहले तो अपने को एक्सटेंडेड रेस कार्बन स्प्लिटर मिलता है जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लूंगा ना कि जो अपने को कुछ ज्यादा स्पोर्टी लुक नहीं चाहिए, ठीक है गाइज। जैसे कि ये डबल वेंटेड ड्रॉप्ड स्प्लिटर, ये मेरे को सही लग रहा है। अपने को ज्यादा कार्बन फाइबर नहीं ठूसना है गाड़ी के अंदर, वो मेरे को ऐसा लगता है लुक खराब कर देता है गाड़ी की। जैसे ये देखो ड्रॉप्ड बंपर, ये कितना सही लग रहा है गाइज। ऑलराइट अब चलते हैं चेसिस की तरफ, और चेसिस में अपन लोग पूरी गाड़ी को अंदर से बदल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर भाई। आई थिंक गाइज ये है तो सही, लेकिन ये गाड़ी में से फैमिली वाली वाइब पूरी खत्म कर देगा, समझ रहे हो। अपने को वो नहीं चाहिए गाइज, स्टॉक चेस ही रखते हैं। इंजन यहाँ पर फुल्ली अपग्रेड करने वाले हैं भाई साहब, फैमिली कार है, इसका मतलब क्या भाई, कभी रेस वेस करना पड़ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अपन लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट, ओके तो डबल फ्रंट साइड एग्जिस्ट मैंने खरीद लिया है, लेकिन एक्चुअली में काफी कूल ऑप्शन है हमारे पास। ओके वही सही है मेरे हिसाब से। ऑलराइट ग्रिल यहाँ पर चूज करते हैं गाइज, एंड एज यू कैन सी इंटरकूलर विथ ट्विन फैंस, ये यहाँ पर चूज करने वाला हूँ मैं। लुक एट दैट, क्या ब्यूटीफुल लग रही है। ऑलराइट हुड का ऑप्शन आ गया, हुड पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, कॉम्पिटिशन हुड, कार्बन, रेस स्पेक और उसके रेस स्पेक ट्यूनर। भाई कितने टाइप के, मैं काम करता हूँ ये खरीद लेता हूँ, रेस स्पेक ट्यूनर हुड काफी बढ़िया लग रहा है गाइज। और यहाँ पर हॉर्न अपने लोग नॉर्मल रखने वाले, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हेडलाइट हमारी जीनॉन की होने वाली है, नियॉन लेआउट हमारा फ्रंट बैक एंड साइड्स का रहता है हमेशा की तरह। नियॉन कलर अपन लोग यहाँ पर ब्लैक लाइट रखेंगे, ऑफ कोर्स भाई ब्लैक लाइट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है रात में, दिन में कभी भी देख लो। और अब टाइम है लिवरी का, नाउ दिस इज वेयर थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टिंग। तो चलो फटाफट से चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आती है ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है, फिर व्हाइट स्ट्राइप्स, सिंपल Ubermast रेसिंग, जीरो रेसिंग, एटॉमिक रेसिंग, पर्जियस रेसिंग, हॉक एंड लिटिल रेसिंग। अरे कितने हैं भाई, मेरे को एक ढंग का नहीं लगा इसमें से, भाई साहब सारी कचड़े है भाई। लिवरी के नाम पे पूरा इन लोगों ने हाल बेहाल कर दिया इस गाड़ी का। चलो कोई बात नहीं, अपन लिवरी पे बाद में ध्यान देंगे, अभी के लिए नंबर प्लेट को जितना स्टाइलिश बना सकते बना लेते हैं। ऑलराइट गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है कस्टमाइज, नाउ इट्स टाइम टू गो आउट एंड सी कि चॉप ने कैसी कस्टमाइजेशंस की हैं। व्हाट भाई मेरी गाड़ी देख के होश उड़ जाएंगे। अरे आ तो जा पहले, पहले मैं देख तो लूं तूने किया क्या है। ऑलराइट गाइस ये देखो सही लग रही है ना भाई साहब, बहुत सही लग रही है। ये सही नहीं लग रही, बहुत सही लग रही है गाइस, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हम लोगों ने कलर बदल दिए ना भाई रिम्स के, क्या लग रही है गाइस। एंड द पिकअप, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक। ओके चॉप कहां पर है? ओ चॉप के बच्चे, तेरे चक्कर में यहां पर मैंने इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन किया, तुम कहां पर हो दोस्त? पोस्ट भाई, अरे बस निकल रहा हूं। ऑलराइट चलो इसके तरफ चलते हैं। ओहो चलती तो मस्त है ये। अरे अरे ठुक जाती भाई, अभी ठुक जाती, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ गया था मैं। अभी इस गाड़ी को रिव्यू भी करेंगे, डोंट वरी गाइस। अपन लोग इसको पार्क करेंगे एक मस्त जगह पर और उसके बाद अपन लोग इसके चक्के वक्के गेट वगैरह खोल करके अच्छे से इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुई है। ओह लुक एट दैट यो, बाप रे बाप, ये क्या कॉटन कैंडी बना दिया दोस्त तुमने तो। व्हाट भाई बढ़िया नहीं लगी क्या ब्रो? अरे पिंक कलर ले ही लिया, लेकिन तुम्हारी गाड़ी यार बड़ी फंकी लग रही है मेरे को, तुमने फैमिली कार कम जोकर कार ज्यादा बना दिया। चलो चलते हैं सामने में, हम लोगों का यहाँ पर रेल यार्ड है गाइज, वहां पर चल करके अपनी गाड़ी को फटाफट से शोकेस करते हैं। ओहो हो टाइल, अरे अरे चाचा, ओ भाई
मैंने सोचा मैं भी ठुकेगी भाई, क्या कर रहा है। ओ माय गॉड गाइज, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो ऐसे ही रोकते हैं इसको। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, गाड़ी का पहले वो तो खोल ले दो मेरे को सारा गेट। ऑलराइट, व्हीकल में गए, उसके बाद व्हीकल डोर्स ऑल एंड ओपन, लुक एट दैट। अरे ये वाला क्यों बंद हो गया? अरे भाई ऑल करना है मेरे को। ओके चलो हो गया गाइज। ऑलराइट, एज यू गाइज कैन सी यहां पर हमारा इंजन है। इंजन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हमेशा की तरह। ओ भाई साहब काफी पावरफुल इंजन लग रहा है गाइज। और ये देखो इंटीरियर इज जस्ट फैंटास्टिक, बूट स्पेस काफी सारा मिलता है ताकि आप लोग अगर कभी पिकनिक पे जाओ तो जगह की कोई कमी ना महसूस हो। क्या बोलता है चौपॉट भाई, से ज्यादा बूट स्पेस तो मेरा है ब्रो। अबे उतरता है कि नहीं तेरी ऐसी की तैसी, तेरे चक्कर में देख मेरा गेट कैसे हो गया भाई। अबे नूबड़े कहीं के, बताता हूं मैं इसकी गाड़ी को। गाइस देख रहे हो मेरे गेट को इसने डैमेज किया। धत तेरी ऐसी की तैसी, व्हाट भाई, शीशा थोड़ी तोड़ा था ब्रो। ए ए पंगा नहीं लेगा, ए तेरी ऐसी की तैसी। ए भाई बस बस बस, ओके हो गया, बहुत हो गया, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, शोकेस करने आए अपन लोग भाई साहब। ओ इसकी गाड़ी के अंदर तो भाई कुछ ज्यादा ही कस्टमाइज कर दिया बंदे ने। ये देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो कस्टम पेडल वगैरह लगा दिए भाई। इसका डैशबोर्ड तो पूरा एकदम रेस कार का लग रहा है। इसने गियर वियर सब बदलवा दिया है और बाकी लिवरी लगवाई है चॉप ने। और हमारा थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली वाला हम लोगों ने अप्रोच लिया है। चलो इसकी गाड़ी को ना मैं थोड़ा सा ड्राइव करके देखता हूँ, ठीक है, हल्का सा ड्राइव, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर देयर वी गो, ओ सही चल रही है। अरे अरे क्या हो गया भाई, तुम्हारा हुड उड़ गया ब्रो। व्हाट भाई, इसके पैसे मैं आप ही से लूंगा ब्रो। क्या बोला, मेरे से पैसे लेगा, मेरे से पैसे लेगा, चल निकल। अरे भाई साहब ठीक तो है ब्रो। व्हाट भाई, आपने मेरे टांग तोड़ दी, इसके पैसे आप ही दोगे। निकलो यहाँ से, अब भागो भाई, अरे भागो जल्दी भागो भाई साहब, मारने लगेगा ये। निकल रहा हूँ मैं, बाय बाय। मेरा भी उड़ उड़ गया। एनीवेज गाइस, आपको कैसी लगी है पूरी की पूरी डीएलसी वीडियो, हम लोगों को कमेंट में जरूर से बताना। आई थिंक आपको जो भी गाड़ी बढ़िया लगी मेरी या चॉप की, कमेंट्स में बताओ किसकी बढ़िया है। चॉप की अच्छी लगी चॉप ओपी, फ्रॉस्टी की अच्छी लगी फ्रॉस्टी ओपी लिखना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।